रेलवे पुलिस ने सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रेन के एसी कोच से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास करोड़ों रुपए से भरा सूटकेस बरामद हुआ है। इस पैसे का कहां इस्तेमाल होने वाला था, पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। आरपीएफ को मुखबिर के आधार पर सूचना मिली थी कि महानगरी एक्सप्रेस के F1 कोच में दो संदिग्ध लोग यात्रा कर रहे हैं, जिनके पास कुछ संदिग्ध सामान भी है। पुलिस ने भोपाल की टीम के साथ तुरंत कार्रवाई करते हुए इन दो लोगों को गिरफ्तार किया और इनके पास से सूटकेस बरामद किया। इसमें लगभग 3,20,00,000 रुपए बरामद हुए हैं। चुनाव के दौरान ही खंडवा स्टेशन पर इतनी बड़ी संख्या में अवैध रूप से पैसे ले जाना चिंताजनक है। वहीं पुलिस के मुताबिक चुनाव से लेकर अपराध तक इस पैसे का कहीं भी इस्तेमाल हो सकता था। पुलिस इस बारे में आगे जांच कर रही है। ट्रेन है महानगरी, उसमें सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध व्यक्ति कुछ संदिग्ध सामान लेके जा रहे हैं। जब सूचना मिलने पर हमने लोगों ने एक टीम बनाकर उस ट्रेन को चेक किया और उसमें एसी कोच को चेक किया गया। एसी कोच से दो संदिग्ध व्यक्ति को ढूंढ निकाला और उनके दो बैग भी लेके हम लेके आए। इस दौरान DRI की जो टीम थी भोपाल की, वो भी संदिग्ध व्यक्ति को ढूंढ रही थी। हमारी कार्रवाई में और उनकी कार्रवाई दोनों ने मिलके किया और संदिग्ध व्यक्ति को लेके आए और यहाँ से आके बैग को चेक किया तो उसमें से बैग में से 3,20,00,000 रुपये का उसमें राशि मिली। और इस बारे में जब आरोपियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बनारस से लेकर सामान ये अपना जो कैश था उठाया था और ये मुंबई लेके जा रहे थे। कहीं चुनाव में यूज हो रहा था सर, पैसे क्या लग रहा है? अच्छा, तो हम चुनाव में भी यूज हो सकता है कि पैसा तो किस तरह भी कहीं भी यूज हो सकता है। पैसा एक ऐसी मुद्रा होती है जो कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन ये एक जाँच का विषय है। और अगर हम उसके टिकट और यात्रा को देखे थे तो वो मुंबई जाना था, तो वो भी एंगल देखा जा रहा है। हर्ष उपाध्याय, हाँ, अभी कार्रवाई दोनों अरेस्ट हो गए और कार्रवाई जारी है।